सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं कैसे सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें देश के नामी गिरामी रिपोर्टर्स और संपादक या पत्रकारों की राय या उनकी रिपोर्ट होगी, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं amarujala.com से जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। वो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और मुंबई के आसपास जो भी इलाका है उसको वो देख रहे हैं, और देखने के दौरान जो महसूस कर रहे हैं आपके सामने उन्होंने रखा है कि मुंबई हवाई अड्डे से दक्षिण मुंबई जाइए या दक्षिण मुंबई से पूरा शहर लांघते हुए उपनगर ठाणे तक जाने पर सड़कों चौराहों पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फोटो वाले होर्डिंग्स ही आपको दिखाई देंगे। ये विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं। उनकी पूरी रिपोर्ट को मैं आपके सामने हूबहू रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे वो लिखते हैं कि कहीं कहीं उद्धव ठाकरे के फोटो वाले शिवसेना के होर्डिंग आपको मिल जाएंगी, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बैनर पोस्टर होर्डिंग खोजने पर भी शायद ही दिखाई दें। जबकि महज 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन भले ही शहर की सभी 6 लोकसभा सीटें हार गया हो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वह भाजपा शिवसेना गठबंधन को कड़ी टक्कर दे रहा था। यह मुंबई और मुंबई के आसपास की जो स्थिति है, जो दिख रहा है, उसका जिक्र विनोद अग्निहोत्री ने किया है। आगे आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, इनके हवाले से जो बातें विनोद अग्निहोत्री लिख रहे हैं उसके मुताबिक महज 6 महीने में इतना फर्क कैसे पड़ गया है कि एनसीपी और कांग्रेस कमजोर लचर इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। इस सवाल का जवाब वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनुराग चतुर्वेदी देते हैं। चतुर्वेदी कहते हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व में जड़ता, पलायनवाद और दिशाहीनता आई, उसने मुंबई और महाराष्ट्र में नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेहद निराशा पैदा की। न सिर्फ उनका मनोबल टूटा बल्कि कई ने दल बदल किया तो कई घर बैठ गए। रही सही कसर कांग्रेस के टिकट बंटवारे ने पूरी कर दी, यानी गलत लोगों को टिकट दिया गया या कमजोर लोगों को दिया गया। जिस तरह कांग्रेस ने मुंबई में बेहद अक्षम और जनाधार विहीन लोगों को मैदान में उतारा है, उससे जमीनी कार्यकर्ताओं में बेहद शोभ है। फिर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव में पैसा भी नहीं खर्च कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पार्टी की तरफ से भी उन्हें कोई ज़्यादा आर्थिक मदद नहीं मिली है, दूसरे चुनाव में जीत की घटती संभावना भी उन्हें पैसा खर्च करने से रोक रही है। ये कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों की स्थिति है मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान। दूसरी तरफ भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की छवि और गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति है, जिसने उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रखी है। एक तरफ कांग्रेस एनसीपी गठबंधन जो लस्त पस्त लाचार कमजोर सा दिख रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी शिवसेना गठबंधन जो चुस्त दुरुस्त मजबूत दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का जो मनोबल आसमान छू रहा था वो अब भी बरकरार है। दिल्ली से चुनाव ड्यूटी पर मुंबई में डेरा डाले हुए भाजपा उपाध्यक्ष शैलेश सिंह कहते हैं कि पूरा चुनाव एक तरफा है, विपक्ष कहीं मैदान में है ही नहीं। भाजपा नेता दावा करते हैं कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन कम से कम विधानसभा के कुल 288 में से 225 सीटें जीतेगा। वहीं कांग्रेस नेता पूछने पर कहते हैं कि हमारा गठबंधन अच्छा लड़ रहा है और पहले से बेहतर नतीजे होंगे, लेकिन जीतकर सरकार बनाने का दावा कांग्रेस एनसीपी के नेता पूरी दमखम के साथ नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पार्टी की चुनाव ड्यूटी पर मुंबई आई महिला कांग्रेस की महासचिव शमीना सफीक कहती हैं कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हर जगह भाजपा शिवसेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जीतने की उम्मीद नहीं बता रही हैं, नहीं जता रही हैं। शमीना मानती हैं कि संसाधनों और प्रचार में भाजपा शिवसेना उनसे कहीं आगे है, लेकिन वह कहती हैं कि इसके बावजूद आर्थिक बदहाली और मंदी को लेकर लोगों में जो गुस्सा है वह मतदान के नतीजों में ज़रूर सामने आएगा।
लेकिन कांग्रेस एनसीपी गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा इसका आकलन कांग्रेसी नेताओं के पास नहीं है। ये विनोद अग्निहोत्री की रिपोर्ट है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों के दौरे के बाद जो उन्होंने अमर उजाला में डाली है। amarujala.com से साभार द फ्रंट ने इसको उठाया है और उनकी रिपोर्ट को मैंने आपके सामने रखा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वैसी तमाम रिपोर्ट्स, समीक्षाएं, आलेख या राय जो आपके लिए ज़रूरी है जानने या देश के लिए वो महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता रहूँगा। नमस्कार।